पानी बचाने के काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। स्वच्छता को जैसे हमारे बच्चों ने आंदोलन बनाया, वैसे ही वो बॉर्डर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। क्या था मन की बात सुन रहे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब लोग रेगुलर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं। प्रदेश बीजेपी का एक निर्देश आया था कि इस बार जो है आप बोझरा विधानसभा क्षेत्र में किसी बूथ पे जाके मन की बात सुनिए। बोझरा विधानसभा के अंतर्गत शैलपुर गांव में जो है आज हम मन की बात जो हमारे यहाँ जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनके साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी जी के घर के हम लोग मन की बात पूरा मुजफ्फरपुर की घोषणा सुनिए। क्या स्थिति लग रही है बोझरा में? बोझरा में बहुत साफ स्थिति है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले नंबर पे हैं। जितना भी बीजेपी टीम है ये कोशिश कर रही है कि जीत का मार्जिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो हम लोग उस पर काम। 35 विधायक उतार रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? 35 विधायक नहीं है, 35 विधायक प्लस 3 मंत्री 3 मंडल के लिए, 35 विधायक सिर्फ पंचायत के लिए, उसके साथ साथ लगभग 1500 कार्यकर्ता जो है जो कल परसों से पूरे बिहार के यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आएंगे। हम लोग ये चुनाव जो है एक वार के रूप में ले रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जीत की मार्जिन जितना से जितना ज्यादा हो उस पर हम लोग। लोगों में ऐसा कहा जा रहा है अजय निषाद के दावों की बात है, अजय निषाद अगर ये चुनाव नहीं जीतते तो अजय निषाद पे पड़ेगा। अजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और हमको किसी से घबराहट नहीं होती। हमको अपने संगठन पर भरोसा है, अपने वोटर पर भरोसा है और 365 दिन जो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम किए उस पर भरोसा। जीतेंगे, आश्वस्त हैं? 100%।